हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सरोजिनी नगर हॉल, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर रिलेटेड गार्मेंट्स क्लोथिंग हॉल होने वाला है। एंड गाइज, ये हॉल होने वाला है अंडर ₹200, लाइक 50 से स्टार्ट होके 200 तक की रेंज के प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग भी उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ एक प्यारा सा कॉमेंट ड्रॉप कर देना। एंड ये जो शॉपिंग मैंने की थी, ये मैंने की थी दिसंबर में, तो ये दिसंबर का व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा चैनल पे। बट एज ऑफ नाउ अभी मैं हॉल शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग के लिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि ₹50 में मैंने क्या आइटम लिया है सरोजिनी नगर से। ये पूरा क्लोथिंग हॉल होने वाला है, तो ₹50 में मैंने लिया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस। एंड ये नी लेंथ ड्रेस है, वूलन ड्रेस है, कंप्लीट ब्लैक ड्रेस है और इस तरह से इसमें फुल स्लीव्स आ जाती है और पूरी ड्रेस में इस तरह से आपको स्ट्राइप्ड पैटर्न मिल जा रहा है। वेस्ट के पास से थोड़ा सा ये टाइट होगी एंड उसके बाद जैसा मिडी होता है ना, उस टाइप का नीचे फ्लेयर है। एंड ये पूरी ब्लैक ड्रेस है, तो इसको जब आप पेयर करोगे वेस्ट बेल्ट के साथ तो ये बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। इसको आप मल्टीपल वेज में पेयर कर सकते हो। मैं साथ साथ ट्राई ऑन लगा दूंगी साइड में, तो साइड बाय साइड आप देख लेना कि ये पहनने के बाद कैसी लगेगी। आप इसको हाई बूट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, लॉन्ग ओवरकोट एंड वेस्ट बेल्ट के साथ ये बहुत अच्छे से जाएगी। एंड गाइस, सरोजिनी नगर में इस बार बहुत बहुत वाइड रेंज आई है विंटर वेयर्स की। एंड अभी का मुझे नहीं पता क्योंकि कोविड का सीन है, तो मार्केट ओपन है या नहीं आई डोंट नो। मैं लास्ट दिसंबर में गई थी तो वहां उस वक्त मैंने शॉपिंग की थी, तो बहुत सारे जो शॉप्स थी वो क्लोज हो चुकी थी एंड कुछ सेलेक्टेड शॉप्स ही थी, तो अभी का मैं सिनेरियो नहीं बता सकती हूँ। बट यस, ड्रेसेस एंड ओवरकोट्स की भरमार थी मार्केट में एंड दे वर लाइक ₹100 में भी थे, ₹200 में भी थे, कहीं कहीं आपको ₹50 में भी कोट्स मिल रहे थे। तो यस, लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं कितना शॉपिंग हो सके, कितना कर लूं। बट ड्यू टू कोविड बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाई मैं शॉपिंग में। तो यस, मुझे ये जेम मिला है जस्ट फॉर ₹50 एंड इसकी क्वालिटी, मटीरियल, वॉर्म सब कुछ अप टू द मार्क है, एब्सोल्यूट स्टील डील है अकॉर्डिंग टू मी। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी मुझे। देन इसके बाद मैंने जितने भी पीसेस लिए हैं वो ओवरकोट्स एंड स्वेटर्स हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लेजर जो मैंने लिया है फॉर ₹100। तो यस, दिस वाज ओनली फॉर ₹100 एंड ये ग्रे कलर में है, ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। ये शॉर्ट वेस्ट लेंथ ब्लेजर है, कुछ इस तरह से आ जाता है और इसकी इस तरह से स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे बैक साइड पे जैसे नॉर्मल ब्लेजर होता है वैसा ब्लेजर है। यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी गाइस सुपर्ब है, फ्रेश पीस है। और सरोजिनी में ऐसा होता है आपको यूज पीसेस भी मिलते हैं, आपको फ्रेश पीसेस भी मिल जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना उन पाइल्स में डिग इन कर सकते हो एंड अपने लिए जेम्स निकाल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कितना आप टाइम दे सकते हो, कितना हार्डवर्क कर सकते हो पाइल्स में से ढूंढने में। तो यस, मैंने अराउंड 1.5 से 2 घंटा दिया था, उसके बाद मुझे ये पीसेस समझ में आए। तो यस, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको जब आप पहनते हो ना तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, बहुत कॉर्पोरेट लुक आता है देखने में। तो यस, इस तरह का है और मैं साइड पे ट्राई ऑन लगा दूंगी। अंदर से भी इसमें प्रॉपर आपको लाइनिंग मिल जा रही है एंड यहाँ पे आपको जैसे ब्लेजर में पॉकेट्स होते हैं ना, उस टाइप के यहाँ प्रॉपर पॉकेट्स मिल रहे हैं विद द ओवर फ्लैप ओवर हियर। तो ये पीस बिल्कुल फ्रेश था एंड ₹100 में स्टील डील है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी डिफेक्ट नहीं था। आपको ऑफकोर्स डिफेक्टेड आइटम्स भी मिलते हैं एंड आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करके बहुत केयरफुली चीजों को देखना होता है कि कहीं जो चीज आप ले रहे हो वो डिफेक्टेड तो नहीं है। क्यों, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आप गार्मेंट ले रहे हो तो उसकी स्लीव जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड की हुई होती है, बिकॉज उस स्लीव में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, होल होगा या वो फटी हुई होगी कोई ना कोई, या उस पर कुछ स्टेन्स लगे होंगे। तो जब भी आप सरोजिनी नगर से शॉपिंग करो, मेक श्योर कि आप जो भी आइटम परचेज कर रहे हो उस पीस को अच्छे से आप देख लो, सब कुछ देख के स्लीव्स को अनफोल्ड करके चेक करके तभी आप लो। तो यस, ये पीस मुझे फ्रेश मिला था एंड ₹100 में वर्थ बाय था। नेक्स्ट मेरे पास है एक स्वेटर एंड
था और इस बारे ना 100 रुपीज में एक शॉप थी, मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसमें सिर्फ 100 रुपीज के आइटम्स लगे थे, लाइक 100 रुपीज में आप कुछ भी ले सकते थे एंड मोस्टली वहां पे स्वेटर्स थे, शॉल्स थी एंड लोअर्स थे। तो यस, मैंने एक ही स्वेटर लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली थी मैंने विंटर रिलेटेड एंड इस बार ही आई वॉज लाइक क्रेजी अबाउट ओवरकोट्स एंड ब्लेजर्स एंड मैंने इतनी शॉपिंग की है ब्लेजर्स की, दो हॉल लेके आ रही हूँ मैं, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, ब्लेजर्स ही ब्लेजर्स खरीदे। तो एक मैंने ये स्वेटर लिया था और ये काफी अच्छा लगा था मुझे, 100 रुपीज में मिला था और 100 रुपीज में क्रॉप स्वेटर है ये और इस तरह से येलो कलर में है, लाइक मस्टर्ड येलो कलर है इसका, फुल स्लीव है और इसकी क्वालिटी इज ऑसम, बहुत ही अमेजिंग है, प्योर वूल का है, लाइट वेट स्वेटर है जिसमें बीच बीच में ना ग्रीन का हिंट आ रहा है, ग्रीन कलर का, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे एंड इसमें मेरा साइज M है तो इसमें साइज भी अवेलेबल थे उस पर्टिकुलर शॉप पे। तो मैंने शायद ब्लॉग में कवर भी किया है तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगी ब्लॉग में कि किस शॉप से मैंने क्या लिया है। तो यस, इट वॉज ऑल्सो वर्थ बाइंग फॉर ₹100 एंड आपको पोंचो, क्रोशिया टॉप्स एंड बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी उस पर्टिकुलर शॉप में, बट मैं मूड में नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ एक ही स्वेटर लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन एक ओवरकोट, लाइक ओवरकोट नहीं है, ब्लेजर है, बट इसका जो कलर था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था एंड दिस वॉज फॉर ₹100 ओनली आई गेस, यस दिस वॉज फॉर ₹100 एंड ये है वो ब्लेजर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड ये कॉटन टच पे है और इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैंने क्रिसमस के वक्त पहना भी था और काफी अच्छा भी लग रहा था, लाइक उस माहौल के साथ काफी अच्छे से ये जा रहा था एंड इसका इस तरह से आपको फुल स्लीव्स में ये ब्लेजर मिल जाता है एंड इसका कॉलर वगैरह भी बहुत प्रॉपर है, अंदर इसमें व्हाइट कलर की लाइनिंग मिल जाती है, लाइक आप देखो इसमें थ्रेड से वर्क हुआ है एंड जो इसका लुक है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है एंड ये इसमें बटन्स भी ट्रांसपेरेंट दिए हुए हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। 100 रुपीज में आप इससे बेटर कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो पीस है वो है अगेन एक स्वेटर और ये स्वेटर मैंने ब्लैक वाली जो स्टार्टिंग में ड्रेस शेयर की थी उसके साथ लिया था, दिस वॉज ऑल्सो फॉर ₹50 एंड ये बहुत ही बेसिक सा नेवी ब्लू कलर का स्वेटर है, सिर्फ 50 रुपीज का मुझे मिला था और आई थिंक ये हैंड निटेड स्वेटर है, यस ये हैंड निटेड स्वेटर है एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, फुल स्लीव्स का स्वेटर है, प्लेन बेसिक सा स्वेटर है बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और पहनने पे भी बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको साइड में ट्राई ऑन दिखा दूंगी हर एक पर्टिकुलर स्टफ का। सो यस, मूविंग ऑन विद माय नेक्स्ट गार्मेंट, मेरे पास यहाँ पे अगेन एक ब्लेजर है, तो ये काइंड ऑफ ब्लेजर हॉल है फ्रॉम सरोजनी नगर और इसका जो ओवरऑल प्रिंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिंट नहीं बोलूंगी मैं, ओवरऑल जो डिजाइन इस पे है वो बहुत अच्छी लग रही है, ब्लू एंड मस्टर्ड कलर का है ये भी, लाइक मेरे साइज में नहीं था, एक या दो साइज बड़ा था बट ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने इसे बड़ा ही ले लिया और इसको बस यूं ही कैजुअली डाल के किसी भी चीज के साथ पेयरअप करो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ओवरसाइज ड्रेस को भी आप पेयरअप करो ना तो वो बहुत ही कूल लगती है देखने में एंड काफी अच्छे से जाता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आप फिटेड ही पहनो, तो यस वो सोच के मैंने इसे ले लिया और इसका जो लाइक एक ही बार में पसंद आया था मुझे ये और इसका जो ओवरऑल अपीयरेंस आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, चेक में है, चेक पैटर्न पे है ब्लेजर एंड ये प्रॉपर वूलन ब्लेजर है, कॉटन ब्लेजर नहीं है, प्रॉपर वूलन, लाइक अंदर एंड बाहर दोनों तरफ से ये वूलन है, अंदर इसमें आपको इस तरह का रेड कलर का कुछ लाइनिंग मिल जाता है और बैक साइड से मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखा दूं, ये कुछ इस टाइप से आ जाता है चेक पैटर्न पे एंड ये प्रॉपर वूल है, इस पे यूज किया गया है फैब्रिक एंड कॉलर वगैरह बहुत प्रॉपर है, बटन्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं फ्रंट पे, साइड में आपको पॉकेट्स मिल जाती है तो कहीं पे भी कोई भी डिफेक्ट नहीं है, जस्ट दैट कि आप अगर टाइम इन्वेस्ट करते हो ना तो आप सरोजनी नगर से लिटरली अपने लिए जेम्स ले सकते हो, बस थोड़ा सा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो। मूविंग ऑन विद माय नेक्स्ट परचेज, यहाँ पे मेरे पास है एक बहुत ही बेसिक बेज कलर का ब्लेजर एंड ये मुझे काफी स्मार्ट लगा, अगेन ये मुझे मिला था 50 रुपीज का और ये भी ओवर साइज ब्लेजर, आप देख ही सकते हो कितना लूज है ये, इसको मैं फिटिंग करा लूंगी, बहुत ही बड़ा है ये बट स्टिल इसका पैटर्न मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसे ले लिया था एंड मोर ओवर ये 50 रुपीज का मिल रहा था, लाइक 50 रुपीज में कहां आपको ब्लेजर मिलेगा गाइस,
तो बस वो सोच के मैंने इसे परचेज कर लिया था। एंड आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो बेज कलर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं से भी कोई भी लाइक स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कोई डिफेक्ट नहीं है, पहले में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा और प्लेन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। जैसा एक ब्लेजर होता है वैसा ये ब्लेजर है, शॉर्ट ब्लेजर है बट बहुत बहुत स्मार्ट लुक आएगा। बट ट्राई ऑन अभी मैं ऐसे ही दिखाऊंगी ओवर साइज में, क्योंकि अभी मैंने इसे फिट नहीं कराया है एज पर माई मेजरमेंट्स। और यहाँ पे फ्रंट पे आपको इस तरह से बटन मिल जाता है, एंड इसका बेस्ट पार्ट या अट्रैक्शन बोल लो वो इसका बैक साइड पे जो वेस्ट के पास जो पैटर्न है ना वो कुछ इस टाइप से है, अम्ब्रेला पैटर्न पे है एंड कॉटन टच पे है, तो फील भी काफी अच्छा आ रहा है। 50 रुपीज में गाइस बहुत बहुत बढ़िया पीस मुझे मिला है। देन लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस हॉल इज दिस अमेजिंग ओवरकोट, एंड दिस इज 4 रुपीज 200, एंड दिस इज द स्टार प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल। और ये लॉन्ग ओवरकोट है बेबी पिंक कलर में, जस्ट 4 रुपीज 200 गाइज। आप इसकी क्वालिटी देख लो, कितना ज्यादा थिक फैब्रिक का इसमें यूज किया गया है, एंड ऑफकोर्स ये फुल स्लीव्स का ओवरकोट है बेबी पिंक कलर में है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे साइड में पॉकेट्स मिल जा रही है, अंदर मैं आपको दिखा दूँ बहुत ही प्रॉपर लाइनिंग आपको दी गई है, एंड इसमें अंदर ना फर है जिसे फर इसमें फिल किया गया है, जिससे आप कोई भी नॉर्मल जैसे ब्लैंकेट होती है या कोई भी आप नॉर्मल जैकेट्स वगैरह पहनते हो उसके अंदर कुछ फरी टाइप का फैब्रिक होता है ना, ये कुछ वैसा उसमें अंदर फैब्रिक है विच आई कैन लिटरली फील। और ये बहुत ज्यादा आपको वार्मथ प्रोवाइड करता है, और इसको पहनने के बाद आपको एडिशनल कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है और बहुत स्मार्ट लुक आता है इसको पहनने के बाद। और इसको बस यूं ही कैजुअली डाल लो, बहुत प्यारा लगता है। बैक साइड से आपको दिखा देती हूँ, प्लेन है इसमें कोई डिजाइन नहीं है, बट स्टिल ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पास से आपको इसका फैब्रिक दिखा दूं, सी ये कुछ इस टाइप का इसमें फैब्रिक आ जाता है, फील बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 200 रुपीज में आई डोंट थिंक सो आपको कहीं भी ऐसा प्रोडक्ट ऐसा स्टफ मिलने वाला है, और 200 रुपीज में बहुत सारे थे। अभी मैं एक और हॉल लेके आऊंगी तो उसमें मैंने शेयर किया है, लाइक वो प्रॉपर ओवरकोट हॉल होगा। इस बार मैंने ब्लेजर शेयर किया, नेक्स्ट हॉल में मैं प्रॉपर ओवरकोट्स शेयर करूंगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, एंड यस ऑफ कोर्स दैट वाज ऑल फॉर टुडेस हॉल वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी शेयर करने के लिए। मैंने दिसंबर में शॉपिंग की थी बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ माई जॉब कि मैं शूट कर पाऊँ, तो यस अभी मुझे टाइम मिला है और मैंने सोचा कि फटाफट से ये वीडियो जाना चाहिए चैनल पे, क्योंकि पहले मैं बहुत सारे सरोजिनी नगर हॉल्स करती थी, ब्लॉग्स करती थी, एंड आप लोग सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, आपको बहुत पसंद आता था। तो अभी मैं सोच रही हूँ एक प्रॉपर सीरीज करूँ सरोजिनी नगर की। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई सीरीज मैं करूँ तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है cosmoholic_sakshi। सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।